आईपीएल 2023 की हैदराबाद में घर वापसी हो गई है। जी हाँ, आज होने वाले महामुकाबले में जो होने वाला है सनराइजर हैदराबाद वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच, ये इस साल का पहला मुकाबला इन दोनों टीमों के बीच में। एसआरएच और एमआई दोनों अभी पॉइंट टेबल में काफी नीचे हैं, जहां एमआई 8th स्पॉट पर है वहीं एसआरएच 9th स्पॉट पर है। इसीलिए ये दोनों टीम बिल्कुल चाहेंगे कि जीत कर वो आगे अपने पॉइंट्स बढ़ाएं और स्पॉट्स में ऊपर आएं। अगर हम बात करें पिछले साल 2022 की, तो एमआई सिर्फ 3 रनों से एसआरएच के खिलाफ मैच हार गई थी और फैंस यही उम्मीद करेंगे कि इस बार भी उन्हें ऐसे कोई दिलचस्प नजारा देखने को मिले। इसी के साथ चलिए नजर डालते हैं 3 की प्लेयर्स बैटल्स पे जो इस मैच का आउटकम डिसाइड कर सकते हैं। सबसे पहले उमरान मलिक वर्सेस रोहित शर्मा। उमरान मलिक जो लास्ट ईयर 2022 की बात करें तो एमआई के खिलाफ जीत में उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण एक रोल था, उन्होंने बहुत एक महत्वपूर्ण रोल निभाया था। उमरान ने 4 ओवर्स में 23 रन देकर 3 विकेट लिए थे। मलिक ने ईशान किशन, डैनियल सैम्स और तिलक वर्मा को भी आउट किया था। बैटल नंबर 2, पीयूष चावला वर्सेस राहुल त्रिपाठी। राहुल त्रिपाठी को लास्ट ईयर 2022 की बात करें तो उसमें मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला था एमआई के खिलाफ। राहुल ने 76 रन बनाए थे मात्र 44 गेंदों में। एसआरएच फैंस इस बार भी उनसे कुछ ऐसी उम्मीद रखेंगे, हालांकि मुंबई इंडियंस के फैंस की उम्मीद पीयूष चावला से बहुत रहेगी, क्योंकि पीयूष चावला 2023 में एक अलग ही फॉर्म में नजर आए हैं जो कि काफी अच्छे लग रहे हैं। देखने की बात यह होगी कि वो राहुल के सामने कैसे परफॉर्म करेंगे। बैटल नंबर 3, भुवनेश्वर कुमार वर्सेज ईशान किशन। ईशान किशन अपने पिछले मैच में बहुत ही अच्छे फॉर्म में नजर आए थे, हालांकि ईशान किशन को भुवनेश्वर कुमार की स्विंग गेंदबाजी से काफी बच के रहना पड़ेगा। कुमार नई गेंद के साथ पावर प्ले में एमआई के बैट्समैन को काफी स्विंग से परेशान कर सकते हैं, और जो उनके मेन बल्लेबाज हैं रोहित शर्मा हो, ईशान किशन हो या सूर्य कुमार यादव हो, उनको भुवनेश्वर कुमार से बच के रहने की बहुत जरूरत है। इसी के साथ अगर आप और अपडेट्स देखना चाहते हैं आईपीएल के, तो आप बने रहिए जी मीडिया के साथ।